साल 2022 ख़त्म होने वाला है और कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने वाली है। ये साल सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया साल होने वाला है, क्योंकि इस साल कई सारी नई फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। कई फिल्में तो ऐसी है जो अभी से ही कॉन्ट्रोवर्सीज़ में फंस चुकी है। ऐसी एक फिल्म है पठान। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 में रिलीज़ होने के लिए तैयार है, लेकिन फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्सीज़ में घिर चुकी है। फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग जम के ट्रोल किया गया है। गाने में दीपिका का कैरेक्टर बिकनी में दिखाया गया है, जो खूब विवाद में पड़ चुका है। वहाँ गाने का म्यूजिक भी बताया जा रहा है कि चोरी का है। दूसरी फिल्म है आदि पुरुष। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष साल 2022 में रिलीज़ होने वाली थी, मगर जैसे ही फिल्म का टीज़र आया, इसे जमकर ट्रोल किया गया। राम जी की चमड़ी की चप्पल, सीता जी की ड्रेस, हनुमान जी का लुक और सीधे बाल वाले हनुमान जी का लुक किसी को भी हजम नहीं हो पाया, और लोगों ने भरपूर तरीके से इस फिल्म को कहा कि गलत फिल्म है, इसे रिलीज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ओम रावत ने फिर डिसाइड किया कि ये फिल्म को अभी रिलीज़ नहीं किया जाएगा और इसे 12 जनवरी 2023 में बड़े पर्दे पे लाया जाएगा। अगली फिल्म है गदर 2। सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल गदर 2 अगले साल 2023 में रिलीज़ होगा। ये फिल्म भी कॉन्ट्रोवर्सीज़ में फंस चुकी है। दरअसल फिल्म की शूटिंग के लिए जब मेकर्स ने एक बंगला बुक किया था, तब उनकी डील हुई थी एक मालिक के साथ। घर के मालिक ने मेकर्स के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मालिक का कहना है कि फिल्म के लिए केवल 3 कमरे और 1 हॉल की डील हुई थी 11,000 रुपये प्रतिदिन में, लेकिन मेकर्स डील पे नहीं टिके। उन्होंने उनके बड़े भाई और उनका घर इस्तेमाल किया। इसके बाद मालिक ने 55 लाख रुपये का बिल उन पर थमा दिया। 2023 की आने वाली बड़ी फिल्में शहजादा। कार्तिक आर्यन और रोहित धवन की रोमकॉम ड्रामा भी 2023 में रिलीज़ होगी। फिल्म का टीज़र और पोस्टर को पसंद किया है लोगों ने। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन की पंचलाइन, ह्यूमर और एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। सलार। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म सलार भी 2023 में रिलीज़ होने वाली है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके निर्देशन प्रशांत नील ने किया है। फिल्म का बजट 200 करोड़ का बताया जा रहा है। मैदान। अजय देवगन की फिल्म मैदान 2023 में आएगी। ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन अमित शर्मा ने किया है। किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान, पूजा हेगड़े और शहनाज गिल की फिल्म किसी का भाई किसी की जान अप्रैल 2023 में रिलीज़ होगी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की ये फिल्म अप्रैल 2023 में रिलीज़ होगी। फिल्म के निर्देशन है करण जौहर, जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा फराज, भीड़, लास्ट और अफवाह जैसी फिल्में भी हमारे को 2023 में देखने को मिलेगी। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।